जब से बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने फोरोनिल टैबलेट को लॉन्च किया था, तब से परेशानियां बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। क्योंकि पहले तो उन पर FIR हुई, उसके बाद गवर्नमेंट ने उनसे पूछा कि उनके जो डेटा है किस बेसिस पर उन्होंने क्लेम किया है। उसके बाद उसको ये कहा गया कि कोरोनिल टैबलेट जो है इसको कोरोना की दवा की बजाय इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर यूज किया जा सकता है। बाद में जो है मद्रास हाई कोर्ट में पतंजलि की जो दवा कंपनी है उसके खिलाफ जो है एक तमिलनाडु की अरुद्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से केस किया गया। उनका कहना यह था कि कोरोनिल उनका ट्रेडमार्क है, उनका पेटेंटेड ट्रेडमार्क, उनका ट्रेडमार्क पहले से बुक किया हुआ है और जो बाबा रामदेव है वो कोरोनिल टैबलेट के नाम से जो है उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हैं। उसमें शुरू में जो है टेम्परेरी इंजेक्शन मद्रास हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने दिया था, बाद में इसको अब परमानेंट कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो अरुद्रा कंपनी है उनका पहले से जो है एक तरह से इंडस्ट्रियल क्लीनर, एक केमिकल जो है जो कोरोनिल के दो अलग अलग वर्जन हैं उनका पहले से वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। और अगर बाबा रामदेव की जो कंपनी है, बाबा रामदेव की कंपनी तो नहीं है, कंपनी आचार्य बालकृष्ण के नाम से है उसको, तो जो पतंजलि योग पीठ की जो कंपनी है उसमें उसकी गलती है कि उन्होंने कोरोनिल को यूज़ करने से पहले, कोरोनिल नाम को यूज़ करने से पहले ट्रेडमार्क की छानबीन क्यों नहीं की। और इसमें ये एक्सक्यूज़ नहीं दिया जा सकता कि उनसे गलती हुई है, क्योंकि ये उनकी तरफ से फॉल्ट है और कोई भी व्यक्ति कोई ट्रेडमार्क यूज़ करने से पहले देखता है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में कहीं वो रजिस्टर्ड तो नहीं है। और कोरोनिल जो है पहले से अरुद्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने रजिस्टर किया हुआ है। और इसके अलावा जो है मद्रास हाई कोर्ट की जो बेंच ने ये भी ऑर्डर किया कि अदियार कैंसर इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अरुम्बकम जो तमिलनाडु में है, उन दोनों को 5-5 लाख रुपए जो है रिस्पोंडेंट्स दे, ताकि उन जगहों पर जो ये दोनों जगह बताई, अदियार कैंसर इंस्टीट्यूट और अरुम्बकम योगा एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट है, इनमें विदाउट ट्रेडमार्क के केवल सर्विस के मोटो के नाम से जो है सर्विस लोगों को दी जाती है और लोगों की सेवा की जाती है। इसलिए 5-5 लाख रुपए पतंजलि जो है दवा कंपनी और जो दूसरे रेस्पोंडेंट है वो उनको देंगे। धन्यवाद।